राजस्थान के जालोर में जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय पर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में लंबे समय से दूषित भोजन सहित शिक्षकों की कमी के चलते छात्राओं का अध्ययन प्रभावित हो रहा है, जिसको लेकर आज कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्राओं ने जसवंतपुरा रेवदर सड़क मार्ग जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वही सड़क मार्ग जाम की सूचना मिलते ही जसवंतपुरा पुलिस थाने के कांस्टेबल भागीरथ विश्नोई, लाला राम सोलंकी, राजा राम चौधरी कांस्टेबल, काना राम देवासी, कृष्ण सिंह गुर्जर, महेश कुमावत, किशन सिंह मौके पर पहुंचे। वही तहसीलदार रामलला मीणा भी मौके पर पहुंचे और छात्राओं से उनकी समस्याएं जानी। या छात्राओं की शिकायत है कि पिछले लंबे समय से विद्यालय में अध्यापकों की कमी चल रही है और भोजन भी दूषित मिल रहा है, साफ सफाई का नामो निशान भी नहीं है, जिसको लेकर तहसीलदार रामलला मीणा ने जिला कलेक्टर से विचार विमर्श किया और छात्रों को समस्या के निवारण का पूरा आश्वासन दिया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में जिला कलेक्टर पिछले 5 साल से कभी नहीं पहुंचे और ना ही सांसद देवजी पटेल विद्यालय कभी आए। हालांकि बाद में काफी समझाइश के बाद छात्राओं ने सड़क मार्ग से जाम हटा लिया। हम जब 7th क्लास में थे और आज 11th क्लास में, तब से लेकर आज तक कोई विजिट नहीं हुआ है। आज तक एक बार शुरुआत में आए थे, उसके बाद कोई नहीं आए। और टीचर्स की प्रॉब्लम है, मेन बात टीचर्स की है। हमें आज साल हो गया ना, हमारे फिजिक्स का टीचर है और ना परमानेंट टीचर है। सर आप भी सोचिए, इतना बड़ा केंद्रीय विद्यालय, छात्रों की इतनी समस्या,